वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो मेरे टॉप प्रोडक्ट्स हैं एक्ने। जब मुझे हो जाते हैं तो मैं उस टाइम में क्या लगाती हूं, तो जो सारे प्रोडक्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने इश्यूज हो रहे हैं तो आप भी ये प्रोडक्ट लगा सकते हो और आपकी स्किन बहुत जल्दी एक्ने फ्री हो जाएगी। और जो मेरा प्रोडक्ट है तो मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। ये है सबसे पहला जो है काया का है, काया फेस वॉश। ये एक्चुअली मैंने काया का किट लिया था एक्ने फ्री वाला। तो ये जो है काया प्यूरिफाइंग क्लींजर है विद सैलिसाइक्लिक एसिड फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो जो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है वो जो एक्ने प्रॉन स्किन होता है उसके लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। उससे आपके जो पिंपल्स होते हैं वो ड्राई होने लग जाते हैं और आपकी स्किन इससे क्लियर हो जाती है। तो ये फेस वॉश जो है वो बहुत अमेजिंग है। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज़ जो ऑनलाइन आपको ऑफर में मिल जाएगा, और अगर आप पूरा किट लेते हो तो और ज़्यादा ऑफर में मिल जाएगा। मैंने जो लिया था वो पूरा किट लिया था जिसमें 4 प्रोडक्ट थे, और इसकी वजह से मुझे सस्ता पड़ गया था किट में लेने की वजह से। तो जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है वो है काया का एक्ने फ्री प्यूरिफाइंग टोनर। अगेन इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड है और मैंडेलिक एसिड भी है, और इसका कॉस्ट भी 350 के अराउंड है। अगर आपको इंडिविजुअली लेना है तो ये 350 में आएगा, अगर आपको किट लेना है पूरा तो 1200 के अराउंड आ जाएगा ऑफर में। मतलब ऑफर चलता रहता है, तो मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो दैट आप वहां से परचेज कर सको। तो ये जो है इसको यूज़ करना आप कॉटन पैड से भी लगाकर यूज़ कर सकते हो, और सिंपली आप स्प्रे भी कर सकते हो, और आप अपने हैंड में लेकर के भी लगा सकते हो। अलग अलग वे है, आपको जो सूट कर रहा है, आपके लिए जो ईजी है आप वो अप्लाई करो, उस तरीके से अप्लाई करो। तो ये टोनर है, टोनर जो है ये भी पिंपल्स को ड्राई कर देगा, और टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ऐसे पोर्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं, तो जब आप टोनर लगाते हो तो फिर इससे पोर्स आपके छोटे भी हो जाते हैं, मतलब मिनिमाइज करता है पोर्स को, और फिर जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह लगाते हो वो डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा अगर कुछ भी इन्फेक्शन या कुछ भी आपको रिएक्शन कर रहा हो। तो ये भी सेकेंड वाला पार्ट है, पहला फेस वॉश देन टोनर। जो थर्ड वन है वो है काया का एक्ने फ्री प्यूरिफाइंग मॉइस्चराइजर। ये है, इसका कॉस्ट 590 रुपीज़ है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड ऑयल एंड रोज एक्सट्रैक्ट्स हैं। और इसको सिंपली आपको जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हो आपको वैसे ही लगाना है, थोड़ी सी अमाउंट में। बहुत अच्छा हाइड्रेशन भी देगा, और अगेन ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, इसकी वजह से आपको एक्ने इश्यूज नहीं होंगे, और एक वीक में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्ने इश्यूज हैं तो एक वीक में आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा इसका। मैं काया के प्रोडक्ट्स जो है मैं अराउंड 7 ईयर्स से लगा रही हूँ, और मुझे एक्ने इश्यूज बहुत ज़्यादा होते थे। तो मैंने जब काया के स्टार्ट किया तो एक्ने थोड़े कम हो गए थे पहले, लेकिन जो काया का मैंने स्टार्ट किया मेरे दाग धब्बे सारे खत्म हो गए। तो काया जो है एक्चुअली में मेरे ऊपर माया करता है। तो उसके बाद जो है ये अगेन काया का है प्यूरिफाइंग स्पॉट करेक्टर। ये ऐसा दिखता है, 8 ml है, अमाउंट कम है, लेकिन आपको ये जैसे लिप कलर नहीं होता क्लॉस वाला, वैसा टाइप का है, और इसमें जो प्रोडक्ट है लग जाता है, और आपको पिंपल्स पे जस्ट डैब 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 ऐसे करना है, जहाँ भी पिंपल्स है उसको इस तरीके से लगाना है। आप मॉर्निंग में भी इसे लगा सकते हो मॉइस्चराइजर के ऊपर, और आप सोने से पहले लगाओगे तो आपको नेक्स्ट डे ही आपका जो पिंपल्स है वो ड्राई हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है और इतना फास्ट वर्क करता है, इसलिए ये मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये बिल्कुल नीचे यहाँ पर आ गया है, आप देखो यहाँ पर आ गया है, और मैं फिर से ये ऑर्डर करूँगी क्योंकि ये मुझे चाहिए। मुझे मतलब एक्ने के प्रोडक्ट मुझे मेरे पास चाहिए होते हैं क्योंकि मुझे एक्ने इश्यूज हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज जब चेंज होता है तो फिर आपको एक्ने प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो जो मुझे अभी भी होते हैं कभी कभार, तो इस वजह से मैं एक्ने के प्रोडक्ट्स जरूर रखती हूँ। तो ये हो गया मेरा फोर्थ वन, ये पूरा काया का किट था। इसके अलावा जो मैं लगाती हूँ वो है रिक्विल का पिट स्टॉप जेल, ये ऐसा है, और इसका कॉस्ट है 590 रुपीज़। ये जो है आपके एक्ने स्पॉट्स और स्कार्स के लिए है। जैसे अगर आपको एक्ने इश्यूज होते हैं तो ऑब्वियस है स्कार्स जो होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, एक्ने तो फिर भी लोग बर्दाश्त कर ले, लेकिन जो एक्ने के स्कार्स होते हैं और स्पॉट्स होते हैं
उसको जाने में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैं ये पिट स्टॉप जेल लगाती हूँ, सो दैट ये जो दाग मेरे फेस पे हो वो तुरंत चले जाए, और ये बहुत इफेक्टिव भी है, और ये मेरे एक्ने को भी बिठा देता है, और मेरे ये फेस को क्लीन बनाता है, सारे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, जो न्यू स्कार्स हैं उसमें आपको जल्दी आपको ये दिख जाएगा रिजल्ट लाइक 2 से 3 वीक्स, लेकिन जो आपके पुराने के स्कार्स हैं उसको ये कम करने में टाइम लगाता है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, 2-3 मंथ्स लगा देते हैं, तो आप जब रेगुलर लगाओगे तो आप आपको असर दिखेगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 3-4 टाइम्स लगाना है, जो कि मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि 3-4 टाइम्स लगाना इतना ईजी नहीं है, आप बार बार बैठ करके प्रोडक्ट ही लगाते हो पॉसिबल नहीं है, तो मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ और मैं सोने के से पहले लगाती हूँ। और ये वाला जब भी आप प्रोडक्ट यूज़ करो तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पिंपल्स वाली चीज़ होती है, जो एक्ने ड्राई कर रही है, उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, जो भी डरमैट वाला चीज़ होता है। और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जिनके फेस पे जैसे एक्ने हो जाते हैं और उसके गड्ढे हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपका जो गड्ढा होता है उसको भर देता है, धीरे धीरे बढ़ना उसे भरना स्टार्ट कर देता है, जैसे मुझे ये चिकन पॉक्स का एक है यहाँ पे इस साइड है, तो उसे भी इसने बहुत कम कर दिया है, और बहुत रेगुलर यूज़ करना पड़ता है। मैं बहुत रेगुलर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे जब फेस पे पिंपल्स आते हैं तभी मैं यूज़ करती, ऐसे कौन भला यूज़ करे, वेस्ट ही है प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट हो रहा है, अगर दाग वाग नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। बट अगर जिनके फेस पे दाग बहुत ज़्यादा है, एक्ने इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एक्ने से दाग हो रखे हैं, उसको ये पूरा ये रिमूव करता है। तो ये मेरे टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं, ये है मेरे प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। और फिर से मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।